8 अगस्त सन 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में खादी का सहारा लिए अहिंसा और सच्चाई के बलबूते पर चलने वाले एक आम आदमी जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, दिया देश का सबसे बड़ा नारा, करो या मरो। आप सभी लोग यह मंत्र अपनी हर सांस से उच्चारित कर लें, या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। गुलामी के अब लगभग 200 साल बीत चुके थे, अंग्रेजी हुकूमत भारत पर अपनी पकड़ बनाए बैठा था। यह मूवमेंट भारत के इतिहास की एक ऐसी क्रांति है जिसने न केवल ब्रिटिश राज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को यह संदेशा भी दिया कि अहिंसा और सच्चाई के बलबूते पर बड़े से बड़े पहाड़ों को भी तोड़ा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। जी हां, आज हम जानेंगे अगस्त क्रांति के बारे में। आज हम हमारे देश की उस आखिरी फ्रीडम मूवमेंट को जानेंगे जिसने लाखों फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान को श्रद्धांजलि देकर भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई, द क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़ने से पहले एम्बाइब अचीव एसएससी एंड रेलवेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फुल इंडियन कॉरपोरेशन सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। इस मिशन को लीड कर रहे थे सीनियर मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और इसलिए इस मिशन का नाम भी क्रिप्स इंडिया मिशन रखा गया। लेकिन यह ब्रिटिश एजेंडा बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। क्रिप्स मिशन का फेल होना वो शुरुआत थी जिसने भारत को स्वतंत्र होने का मार्ग और साहस दोनों दिया। द क्विट इंडिया स्पीच, हिंदुस्तान की सबसे ऐतिहासिक स्पीच, जो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। इस स्पीच के दौरान गांधी जी ने क्लियरली ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और फैसिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया है। भारत छोड़ो नारे के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण तौर तरीके हिंदुस्तानियों ने अपनाना शुरू कर दिए, जैसे कि एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी नौकरी भी ना छोड़ें लेकिन काम भी ना करें। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय हिंदुस्तानी अपने खुद के देशवासियों को गोली नहीं मारेंगे। किसान अपना भाड़ा सिर्फ भारतीय जमींदारों को देंगे और अंग्रेजी जमींदारों को नहीं देंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं अगर वो देश की क्रांति पर अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं तो। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के लोग अपने महाराजाओं को तभी सपोर्ट करेंगे अगर वो एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक मास प्रोटेस्ट शुरू कर दिया पूरे देश में, और इस प्रोटेस्ट का एजेंडा था एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। ऑल्दो ये एक ऐसा समय था जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट के अगेंस्ट पूरी तरह तैयार थे। गांधी जी के स्पीच के चंद घंटों के अंदर ही अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स को कैद करके इम्प्रिजन कर दिया गया। उसके बाद से सारे लीडर्स ने अपनी क्रांति लोगों से दूर रहकर जेल से ही जारी रखी। दुख की बात यह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, और इसका सबसे बड़ा कारण था द वाइसरॉय काउंसिल। इस काउंसिल के चलते हिंदुस्तान के बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर प्रिंसली स्टेट्स, हिंदू महासभा, द इंडियन इंपीरियल पुलिस, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द इंडियन सिविल सर्विस, सभी लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट थे। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से कन्विंस नहीं थे और उनका सारा ध्यान नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर था जो एक एग्जाइल में हुआ करते थे। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट मिला तो वो अमेरिकन के थ्रू था। उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रेशराइज किया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को कि अमेरिका वुड हेल्प इंडिया इन दिस मूवमेंट। पूरे देश में डिवाइड के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट कोलैप्स होने के कगार पर था। लाखों हिंदुस्तानियों को कैद कर दिया गया, जिनमें से एक महात्मा गांधी भी थे, जिनको विदाउट एनी रीजन जेल में रखा गया। और आखिर में ब्रिटिश राज ने पूर्ण स्वराज को ठुकराते हुए कहा कि वर्ल्ड वॉर टू के पहले भारत आजाद नहीं हो पाएगा। नेशनल लेवल पर लीडरशिप की कमी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना लोकल पावर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, और इसके चलते पैरेलल गवर्नमेंट्स बनना शुरू हो गई। तामलुक और कोंटाई सब डिवीजन ऑफ मिदनापुर के लोगों ने सक्सेसफुली एक पैरेलल गवर्नमेंट फाउंड किया जिसका नाम था तामलुक नेशनल गवर्नमेंट। सिमिलरली सतारा इन महाराष्ट्र, तालचर इन उड़ीसा,
बलिया इन उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र इन गुजरात में कई सारे पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गए। लीडर्स जैसे कि वाईबी चौहान, चिट्टू पांडे, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी जैसे लोग पैरेलल गवर्नमेंट में उभरते हुए आए। लोगों ने अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में लीडर्स को जेल से बाहर निकाला, वायलेंट एटीट्यूड को अपनाया और साथ ही साथ रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डिस्ट्रॉय किया। ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपना रिटेलिएशन शुरू कर दिया और फिर से अपनी हुकूमत जमा दी। वीक कोऑर्डिनेशन, हैवी हैंडेड सप्रेशन और लैक ऑफ क्लियर कट एक्शन के कारण भारत छोड़ो आंदोलन कामयाब ना हो सका। लेकिन इस आंदोलन ने ऐसी छाप छोड़ दी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह रियलाइज हो गया था कि अब हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में ज्यादा समय तक रखना नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान पर अपना राज करना बहुत ही मुश्किल दिख रहा था। इसलिए अब पोस्ट वॉर एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया पीसफुली और ग्रेसफुली छोड़ने का एक ऐसा तरीका ढूंढना था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने वो एक स्पार्क जला दिया जिसने आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह साफ जता दिया था कि इंडिया अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। साथ ही साथ पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी भी एकजुट रही। लीडर्स जैसे कि अरुण आसफ अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजा गोपालाचारी जैसे नेताओं ने अपना पूरा योगदान दिया। जापान की आर्मी को इंडिया बर्मा बॉर्डर की तरफ एडवांस करते हुए देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह की दुविधा में फंस गई थी और इसलिए उन्होंने गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। देखते ही देखते बाकी सारे कांग्रेस लीडर भी अरेस्ट कर लिए गए। पूरे देश में छोटे छोटे मूवमेंट्स होते रहे, कुछ नॉन वायलेंट्स तो कुछ वायलेंट भी थे। इसी बीच और भी नए लीडरशिप के चेहरे उभर के सामने आए। ये मूवमेंट 1944 तक सबसाइड हो गया था, लोग फिर से शांत हो गए थे, गांधी को रिलीज करवा दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का असफल होने का लीडर्स के बीच एक सेंस ऑफ डिप्रेशन भी था। सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के अंदर यानी कि सन 1947 को भारत को आखिरकार आजादी मिली गई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक ऐसी चिंगारी थी जिसने इस आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की क्रांति नहीं होती तो शायद भारत को इतनी जल्दी आजादी भी नहीं मिलती। यूपीएससी हो या फिर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम, क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप भी इंडियन हिस्ट्री को और भी डिटेल में समझकर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को या फिर डाउनलोड द एम्बाइब ऐप। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।